जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने बरामदे में सोते हुए 22 वर्षीय युवक राकेश चौरसिया को ज्वलनशील पदार्थ से जिंदा जलाकर हत्या कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची मुकामी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंचकर तहकीकात कर रही है। गौरतलब है कि जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मकरनपुर के रहने वाले मनीष चौरसिया के पुत्र राकेश चौरसिया को शुक्रवार की रात में सोते वक्त लगभग 2 बजे अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसे तत्काल बड़हलगंज सीएससी पहुंचाया गया और बड़हलगंज सीएससी से डॉक्टर ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया। यहां पर शनिवार की सुबह लगभग 7 बजे राकेश चौरसिया की मौत हो गई। मृतक राकेश चौरसिया के पिता मानिक चौरसिया खेती बाड़ी के कारोबार करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी तो अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना बड़हलगंज के मकरनपुर गांव में राकेश चौरसिया नाम के व्यक्ति की बर्न इंजरी से डेथ हो गई, जिस घटना के बारे में आप जानना चाहते हैं। इस संबंध में वादी मुकदमा उनके चाचा हैं, जिन्होंने बताया कि 1/2 अप्रैल 2021 की रात में 1:10 पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा तेल डालकर माचिस से आग लगाकर यह घटना कारित की गई। उनकी इस तहरीर पर हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पीड़ित व्यक्ति की कल मृत्यु हो चुकी है मेडिकल कॉलेज में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तथा अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य, जिसके लिए हमने एफएसएल से भी अनुरोध किया है, जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर साक्ष्यों को जुटाकर कार्यवाही की जाएगी। एक चीज़ हम बता दें कि परिजनों के अलग अलग जो कथन हैं, घटनास्थल की जो परिस्थितियां हैं, वो कहीं कहीं संशय पैदा करती है। दूसरी चीज, अगर व्यक्ति लेटा हुआ है, उसके ऊपर तेल डाल के किसी ने माचिस की तीली मार दी, तो निश्चित रूप से बिस्तर के टच में जो बॉडी का पार्ट होगा वो नहीं झुलसेगा, और इस व्यक्ति में सर, गर्दन, छाती, पीठ, जांघ तक बर्न इंजरी है, जिससे साबित हो रहा है कि व्यक्ति लेटा हुआ नहीं था, बात कुछ और भी हो सकती है। घटनास्थल की परिस्थितियां और वैज्ञानिक साक्ष्य, परिजनों के कथन, इसके आधार पर जो भी तथ्य उभर कर सामने आएंगे, विधिक कार्यवाही अमल में ला जाएगी।